दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो इसके लिए आपको ITR 3 जो है वो फाइल करनी होती है और उस ITR 3 के अंदर आपको टर्नओवर की लिमिट जो है वो मेंशन करनी होती है। तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है ITR 3 के अंदर, क्या 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है वो 10 करोड़ रुपीज़ की होती है अगर आप शेयर मार्केट में इस तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं। बट वहाँ पर आपको टर्नओवर भी अपना मेंशन करना होता है। ITR 3 जब आप फाइल करते हैं तो वहाँ आपसे पूछता है कि इंट्राडे के अंदर आपका टर्नओवर कितना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आपका टर्नओवर कितना है। तो टर्नओवर आपको मेंशन करना होता है और प्रॉफिट मेंशन करना होता है, और साथ ही साथ आपको ये जो सिलेक्ट करना होता है कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। तो टैक्स ऑडिट की लिमिट तो मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR जो भी फाइल कर रहे हैं आप 23-24 में 31 जुलाई 2023 तक के पास टाइम है, तो जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है वो 10 करोड़ की लिमिट होती है। अगर 10 करोड़ से कम आपका टर्नओवर होगा तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टर्नओवर की कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इंट्राडे के केस में आप कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर के केस में कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन के केस में कैसे कर सकते हैं और डिलीवरी के केस में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ये टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसी होगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीवरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो डिलीवरी ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे तो वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी काउंट हो सकते हैं, जहाँ पर आप उसको कैपिटल गेन की इनकम मानेंगे, या कुछ केसेस में आप उसको बिजनेस इनकम मान लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है और आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो आपकी शेयर्स को सेल और परचेज़ करना ही है, आपका प्राइमरी बिजनेस ही वही है, फिर तो वो आपकी बिजनेस इनकम काउंट कर ली जाती है। बट अगर आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लेके चलते हैं, साइड इनकम अर्न करने के लिए आप वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो मेन आपका काम है वो आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो सकते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, बट साइड बाय साइड आप जो है साइड बाय साइड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम अर्न करने के लिए, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कवर हो जाता है। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ आपका जो मेन काम है वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना ही है, आपका ये बिजनेस ही है, तो उस केस में इस तरीके की जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं आपके, वो आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाती है। तो देखिए अगर आपकी डिलीवरी के ट्रांजेक्शन है जहाँ पर आप फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन करते हैं और आपकी वो बिजनेस इनकम मान ली जाती है, तो यहाँ पर जो आपकी सेल वैल्यू होती है दोस्तों, सेल वैल्यू को ही आपका टर्नओवर मान लिया जाता है। तो डिलीवरी के ट्रांजेक्शन में जो आपकी सेल वैल्यू होती है, जैसे आपने 5333 इस शेयर की क्वांटिटी सोल्ड की 78 रुपीज़ के हिसाब से, तो देखिए आपने 4,15,000 की जो है आपकी सेल वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जो भी आपने शेयर किया उसकी सेल वैल्यू आप ले लेंगे, तो डिलीवरी के केस में जो आपकी सेल वैल्यू होगी उसको ही टर्नओवर मान लिया जाएगा। तो चलिए समरी में आके जो डिलीवरी है यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला जो है वो लिंक कर देता हूँ। तो 45,47,000 की देखिए, तो डिलीवरी के केस में जो मेरा टर्नओवर है वो 45,47,000 है। इसी तरीके से हम ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्राडे में भी देख लेते हैं। तो उसके बाद हम इंट्राडे के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए इंट्राडे के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो इंट्राडे के अंदर जो आपकी सेल वैल्यू होती है उसको आपका टर्नओवर नहीं माना जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सेल वैल्यू की बात करूँ तो 47,03,000 की आपकी सेल वैल्यू है, तो इसको आपका टर्नओवर नहीं माना जाएगा। यहाँ पर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, मींस आपकी जो सेल वैल्यू होगी उसमें से आप जो परचेज वैल्यू है वो लेस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर 258 का प्रॉफिट आ गया, सेकंड केस में आपको 36,000 का लॉस आ गया, तो इस तरीके से पहले तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो इंट्राडे के अंदर देखिए आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो ओवरऑल प्रॉफिट आपको 1,89,984 का हुआ है। तो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है आपको, आपकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो इसके लिए भी मैं एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल टू करना है, ABS जो है वो टाइप कर देना है। देखिए आपको ABS यहाँ नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली वैल्यू है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और कॉलम को जो है वो बंद कर दीजिए। अब इसको एंटर कर दीजिए और इस फॉर्मूले को नीचे तक आप खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपकी नेगेटिव वैल्यू थी, देखिए 36,000 की नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी 73,000 की नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव। इसी तरीके से 4,52,000 की जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर जो टोटल टर्नओवर आ गया है वो आपका 13,14,597 आ गया। तो इंट्राडे के अंदर आप इस तरीके से जो है टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं। तो इंट्राडे के अंदर भी चलिए मैं जो है ये टर्नओवर मेंशन कर देता हूँ, 13,14,597। तो देखिए इंट्राडे के अंदर मेरा जो है टर्नओवर आ गया 13 लाख। इसी तरीके से देखिए दोस्तों फ्यूचर के अंदर हम कर लेंगे, तो फ्यूचर के अंदर भी जो है सेम फॉर्मूला वही लगता है जो कि इंट्राडे के अंदर लगता है। तो इंट्राडे और फ्यूचर के अंदर टर्नओवर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम रहता है। यहाँ पर भी जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस होता है आप उसको जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब मीन्स उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए, ABS इसको सिलेक्ट कर लीजिए और प्रॉफिट पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फॉर्मूले को आप नीचे तक खींच दीजिए।
तो देखिए यहाँ पर भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट तो 18,711 का था, बट जो आपका टर्नओवर आ गया दोस्तों वो 18,67,802 आ गया है। तो आप फ्यूचर के अंदर भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि आप इंट्राडे के अंदर करते हैं। तो चलिए हम फ्यूचर के अंदर भी जो है टर्नओवर वो लिंक कर देते हैं। तो फ्यूचर के अंदर मेरा जो टर्नओवर आ गया वो आ गया 18,60,802। तो चलिए अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप ऑप्शन के टैब पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है। तो टर्नओवर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो ऑप्शन के केस में रहेगा दोस्तों सेम वही रहेगा जो इंट्राडे और फ्यूचर के अंदर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एबीएस का फॉर्मूला लगा देना है और जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। तो एबीसी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो आपकी नेगेटिव की वैल्यू रहने वाली है, जैसे 73,000 पॉजिटिव हो गया, 141 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 182 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 73,452। देखिए जो भी नेगेटिव फिगर थी आपने यहाँ पर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ली। तो आप बोल सकते हैं कि चाहे आपका इंट्राडे हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, आपका सेम फॉर्मूला काम करता है टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑप्शन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था। पहले क्या होता था कि ऑप्शन के अंदर जो आपका ये टर्नओवर आ जाता था दोस्तों एब्सोल्यूट फिगर निकाल के, इसमें फर्दर आप क्या कर देते थे, इसके अंदर जो ये सेल वैल्यू होती थी पहले आप ये ऐड कर देते थे। तो ऐसे आप जो है ऑप्शन का टर्नओवर पहले कैलकुलेट करते थे, बट अब इसके अंदर जो है चेंज कर दिया गया है। तो जो ऑप्शन का टर्नओवर है वो सेम ऐसे ही निकाला जाता है जैसे आप इंट्राडे और फ्यूचर का निकालते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन को भी ऐड कर देते हैं। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब आपका जो टोटल टर्नओवर हो गया है दोस्तों वो 99,96,678 हो गया है, जो कि आपका जो सेक्शन 44AB के अंदर 10 करोड़ की लिमिट है उससे बहुत कम है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपके ऊपर जो है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी जो है कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर इस तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी आपका ब्रोकर होता है, चाहे वो आपका जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, वेंचरा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, तो वो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करवा देते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आपको ये सारे ही ट्रांजेक्शन जो है नज़र आ जाते हैं। वहाँ पर आपको क्या आपका टर्नओवर है इंट्राडे के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन डिलीवरी के अंदर, और इसी तरीके से क्या आपका प्रॉफिट है, तो सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाती हैं। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, बट फिर भी आपको अगर आइडिया रहेगा कैलकुलेशन करने का तो वो भी आपके फायदे वाली चीज़ है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने टर्नओवर की लिमिट को ITR 3 के अंदर जब आप ऑडिट सेलेक्ट करना है नहीं करना है तो आपको हेल्पफुल होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।